Our today's topic is transformer. Transformer is a device, it's a machine, equipment, which is used to transform. Transform means to change. And what is to be changed? In alternating current, the characteristic of potential difference and current. These can be changed with help of transformer. Now, this transformer, that means at the input of the transformer, we will give certain potential difference and current. At the output, we will get different potential difference as required by us. हम जब अपना मोबाइल चार्ज करते हैं तो एक तरफ से 220 वोल्ट हम देते हैं चार्जर को और चार्जर के दूसरी तरफ से हमको 4 वोल्ट मिलता है 5 वोल्ट मिलता है और उससे हम अपना मोबाइल चार्ज करते हैं या कंप्यूटर के लिए एक डिफरेंट वोल्टेज है वो हमको मिलती है इस तरह से हमको वोल्टेज के चेंज की जरूरत पड़ती है समटाइम्स वी हैव टू डिक्रीज द वोल्टेज समटाइम्स वी हैव टू इंक्रीज द वोल्टेज तो कब डिक्रीज करना है कब इंक्रीज करना है दैट वी विल सी द सर्कमस्टेंसेस फिलहाल एट प्रेजेंट वी विल स्टडी हाउ ट्रांसफॉर्मर वर्क on what principle it works. So, what is its introduction? Its introduction is, it's a device to change voltage and current. Voltage and current of AC. How does it work? Principle. Which physics principle it is used in the transformer? So that is mutual induction. Electromagnetic induction, mutual induction. Mutual induction is between two coils. So that principle is used in this. We will make it here and find out. Then is its description. Okay. Description and diagram. We need to have two coils. हम ये चाहते हैं कि एक coil का जो magnetic flux बने वो पूरा का पूरा दूसरी कॉइल के साथ लिंक हो जाए एक कॉइल जो मैग्नेटिक फील्ड बनाए वो मैग्नेटिक फील्ड दूसरी कॉइल के साथ लिंक होना चाहिए अब मैग्नेटिक फील्ड को अगर लिंक कराना है तो मैग्नेटिक फील्ड किस में कन्वीनियंटली ट्रेवल करता है आंसर है सॉफ्ट आयरन में सॉफ्ट आयरन का नेचर क्या है इफ दिस इज ए सॉफ्ट आयरन कोर तो यहां पर जितना भी मैग्नेटिक फील्ड होगा ये उस पूरे को परमिट करेगा अपने अंदर से जाने के लिए सब तरफ से बुला लेगा और अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड को ले जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड को ट्रेवल करवाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है सॉफ्ट आयरन अब एक कॉइल से दूसरे कॉइल तक मैग्नेटिक फील्ड को ले जाना है तो हम दोनों के बीच में एक सॉफ्ट आयरन का फ्रेम लगा देंगे एंड वी विल कॉल दैट फ्रेम एज कोर सॉफ्ट आयरन कोर पर हम दो कॉइल वाइंडिंग करेंगे किस तरह से ये एक सॉफ्ट आयरन कोर है अब इस पर हमने दो कॉइल लगानी है तो ये एक कॉइल हमने ऐसी लपेट दी और दूसरी कॉइल ऐसी लपेट दी ये इसमें जो करंट देंगे वो यहां मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा पूरा मैग्नेटिक फील्ड किसमें से जाएगा सॉफ्ट आयरन में से और दूसरी कॉइल के साथ टच हो जाएगा पर ट्रांसफार्मर के लिए ये मैग्नेटिक फील्ड में कुछ लॉसेस हो सकते हैं क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से ऐसा ओपन है ये ये लॉसेस मत हो इसलिए हम सॉफ्ट आयरन को एक क्लोज्ड फ्रेम बनाते क्लोज्ड फ्रेम किस तरह से बनेगा क्लोज्ड फ्रेम ऐसा बनेगा ये
अब यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ऐसे और यहां से ऐसे अब आप इसमें देखिए मैग्नेटिक फील्ड के लॉस होने के चांसेस नहीं है, पूरा का पूरा इसके अंदर रहेगा, यहां लॉस हो सकता है, ठीक है। इसलिए ये वाला फ्रेम यूज करेंगे। इस फ्रेम को यूज करने से हम प्राइमरी और सेकेंडरी दो कॉयल हम एक लपेटना चाहते हैं, एक हाई वोल्टेज रहेगी और दूसरा हमारा रिक्वायर्ड वोल्टेज रहेगी, तो एक में हम यहां पर एक कॉयल को लपेट देंगे और दूसरी कॉयल को यहां पर लपेट देंगे। ये इसको कहेंगे प्राइमरी और इसको कहेंगे सेकेंडरी, प्राइमरी एंड दिस इज सेकेंडरी। सेकेंडरी से हम आउटपुट लेते हैं और प्राइमरी में हम इनपुट देते हैं। और यहां पर हमको सेकेंडरी में एसी आउटपुट मिलेगा ये। और ये क्या चीज है? सॉफ्ट आयरन कोर। ये ऐसी विड्थ होती है, ऐसी लेंथ होती है और इसमें थिकनेस भी होती है, एंड दैट थिकनेस मेक्स इट रोबस्ट, दैट थिकनेस मेक्स इट स्ट्रॉन्ग। ये इस तरह से ये फ्रेम होता है और ये फ्रेम पट्टियों से बनाया जाता है। दिस इज सॉफ्ट आयरन कोर। ये हम स्टडी करने के लिए ऐसा बनाते हैं। एक्चुअल प्रैक्टिस में हम ये नहीं चाहते कि इसका बना हुआ थोड़ा सा भी फ्लक्स वेस्ट हो, इसलिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। कॉम्बिनेशन देखिए किस तरह से बनेगा। कॉम्बिनेशन ऐसा बनेगा, ये बीच में ऐसे। अब इसमें एक तरफ से हम प्राइमरी लगा देंगे बीच वाले में सिर्फ, ये। और इसी में सेकेंडरी को लपेट देंगे। समझ में आ गया? इन दोनों के बीच में भी सेम आयरन है, इन दोनों के बीच में भी सेम आयरन है। प्रैक्टिकली हम लोग ऐसा बनाते क्योंकि इसमें हमारा फ्लक्स लॉस बिल्कुल नहीं होता। ग्रीन ने जितना फ्लक्स बनाया 100% किसके साथ लिंक हो जाएगा? रेड के साथ। इसमें तो इसको फिर भी यहां से जाना पड़ेगा, राइट? और इसमें लॉसेज हो जाते। सो दिस इज द बेस्ट टेक्निक। ओके, एनीवे हम स्टडी इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, इससे हम स्टडी करेंगे। दिस इज अवर कंस्ट्रक्शन। सो कंस्ट्रक्शन के तीन पार्ट, नंबर वन सॉफ्ट आयरन कोर, नंबर टू प्राइमरी कॉयल, नंबर थ्री सेकेंडरी कॉयल। दीज आर दी थ्री पार्ट्स इन इट। ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है, ये सॉफ्ट आयरन कोर भी इतनी सिंपल आयरन नहीं होता। देर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ मेकिंग इट,
देखिए हम क्या करते हैं, ये हमको इतना स्ट्रांग चाहिए कि हम इस पर कॉइल लपेट सकें, और इतना होना चाहिए कि उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स सफिशिएंट क्वांटिटी में मूव कर सके। उसके लिए हमको काफी ज्यादा लोहे की जरूरत होती है, आयरन की जरूरत होती है। अब आयरन में एक प्रॉब्लम होता है, व्हेनेवर देयर इज ए फ्लक्स देयर विल बी एडी करेंट्स, और एडी करेंट्स के कारण वो हीट अप होता है। सो वी वांट दैट एडी करेंट शुड बी लेस, लेकिन जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा एडी करंट तो बनेगी ही बनेगी। तो उसके लिए हम लोग कुछ इसमें इंतजाम करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। कैसा कंस्ट्रक्शन करते हैं, देखिए ये हो या दिस थिंग, व्हेन वी मेक इट, इसको हम पहले एक पत्ती में बनाएंगे, पट्टी दैट इज ओनली ए शीट। ऐसी ही एक और शीट बनाएंगे, ऐसी ही एक तीसरी शीट बनाएंगे, और ये जो शीट्स हैं ये शीट ऐसी होंगी। ये दिस एंड दिस, ये पट्टी अलग, ये पट्टी अलग, और इस पट्टी को जब यहां लाएंगे स्क्रू कर देंगे तो ये बन जाएगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? ऐसा क्यों करते हैं? जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंस्ट्रक्शन, इसका वर्किंग से कोई रिलेशन नहीं। हाउ कंस्ट्रक्शन, इतनी सारी कॉइल बीच वाले में लपेटना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, पहले कॉइल को एक प्लास्टिक में लपेट लेते हैं, और फिर वो प्लास्टिक का जो पाइप है ऐसा यहां पे इंसर्ट कर देंगे, कॉइल आ गई इस पे, ठीक है। फिर दूसरी कॉइल को लपेटेंगे, वो भी उसके ऊपर इंसर्ट कर देंगे, और फिर इसको यहां लगाकर बंद कर देंगे। अच्छा फिर से सुनिए, ये जो एक पट्टी हमने बनाई सॉफ्ट आयरन की, ऐसी ही दूसरी, ऐसी ही तीसरी, ऐसी ही चौथी, और सबको एक के पीछे एक रखते चले गए। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे करके हमने इसमें 100 पट्टियां रख दी एक के पीछे एक, और सबको यहां से रिविट कर दिया। और यहां से सबको हमने रिविट कर दिया पक्का। अब ये क्या बन गया, एक फ्रेम बन गया, और इस फ्रेम में पहले हम इसको पहनाएंगे, फिर इसको ऊपर उठाकर यहां पर स्क्रू कर देंगे। ये जो एक एक पट्टी रहेगी, दिस इज नोन एज स्टेपल सॉफ्ट आयरन मेड ऑफ स्टेपल्स। और ये स्टेपल्स, जब हम एक स्टेपल बनाते हैं तो उसको एक वार्निश में डिप करते हैं, वार्निश्ड। वार्निश में डिप करने से क्या होगा, उसके ऊपर इंसुलेटर की एक लेयर आ जाएगी, और ये दो पट्टियों के बीच में वार्निश आ जाएगी। दो तीन चार जितनी पट्टियां साइड में दिख रही हैं यहां पर, सबके बीच में वार्निश है, तो उनके बीच में रेसिस्टेंस बहुत हो जाता है, रेसिस्टेंस बिकम्स वेरी लार्ज। एंड इफ देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ एडी करेंट्स हियर, देन दिस एडी करेंट्स ड्यू टू लार्ज रेसिस्टेंस हैज टू बिकम स्मॉल, तो ये एडी करेंट कम हो जाती है। तो वी कैन कंट्रोल द एडी करेंट बाय यूजिंग वार्निश बिटवीन द स्टेपल्स। ये तरीका समझ आया? दूसरा, जब हम ऐसे बनाते हैं तो एडी करेंट को ऐसे फ्लो होना पड़ता है, इसमें दिस वे दिस वे दिस वे, देन ये एडी करंट यहां गोल आएगी, तो यहां पर ये ऐसा जाएगी, ये फिर यहां से ऐसे, ये ऐसे, तो इसका रास्ता इतना लंबा हो जाता है। दिस लॉन्ग पाथ मेक्स द रेसिस्टेंस वेरी हाई, एंड बिकॉज ऑफ द हाई रेसिस्टेंस द मैग्नीट्यूड ऑफ एडी करंट बिकम लेस। अगर ये ऐसा हो तो एडी करंट ऐसे चलेगी, 1 2 3 4, यहां कितनी चली, 1 2 3 4
5, 6, 7, 8. उससे डबल लंबा रास्ता हो गया. अगर लेंथ डबल हो गई तो उसकी करंट रेसिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा और रेसिस्टेंस इंक्रीज होने से एडी करंट्स कंट्रोल हो जाएंगे. सो हाउ डू वी कंट्रोल एडी करंट्स इन ट्रांसफार्मर? आंसर, बाय गिविंग स्पेशल शेप, ई शेप टू द स्टेपल्स एंड पुटिंग वार्निश बिटवीन देम. ये दो चीजें किस लिए करते हैं? एडी करंट्स को कम करने के लिए. एक ई शेप और दूसरा वार्निश. ओके, ये तरीका समझ आ गया. अब देखिए आगे चलते. दिस इज, ये जो प्राइमरी कॉयल और सेकेंडरी कॉयल है, दे आर मेड ऑफ द बेस्ट कंडक्टर अवेलेबल. मोस्टली वी यूज 100% ग्रेड ऑफ कॉपर, ठीक है, एंड दैट इज द बेस्ट अवेलेबल कंडक्टर, कॉपर एंड कॉपर, ठीक. ये इसका डिस्क्रिप्शन हो गया. सो टू कॉइल्स आर रैप्ड ओवर सिंगल फ्रेम ऑफ ट्रांसफॉर्मर और दिस वे. नाउ वर्किंग, हाउ डज ए ट्रांसफॉर्मर वर्क? अल्टरनेटिंग करंट इन प्राइमरी create a changing flux a changing magnetic flux due to soft iron core this flux is totally linked to with secondary. ओके, जब ये सेकेंडरी के साथ लिंक होगा तो क्या होगा? अकॉर्डिंग टू फैराडेज रूल, अकॉर्डिंग टू फैराडेज प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दिस changing flux will induce EMF in secondary. This is taken as output. ये EMF हमको जो मिला, दिस वी टेक एज आउटपुट. तो ये कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई हुआ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन द टू कॉइल्स, राइट. तो अल्टरनेटिंग करंट के कारण करंट की डायरेक्शन चेंज होती रहेगी, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होती रहेगी, उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता रहेगा, एंड द चेंजिंग फ्लक्स will create EMF in the secondary coil. Okay, अब इसका formula.
equation. Due to alternating current, there is always a change in the magnetic field, and due to changing magnetic field, there is always a change in the magnetic flux. So, at any instant, let there be change in magnetic flux as d phi by dt. Therefore, induced EMF in one turn E is equal to d phi by dt. E is equal to d phi by dt. Plus a minus, that gives the direction, but the magnitude is d phi by dt. Okay. Ye d phi by dt EMF ek term mein banega. Kyun? Kyunki flux change kitna ho raha hai? D phi by dt. At that instant, if there are ni terms, np terms in primary, then at that instant EMF at primary, EMF across primary is NP d phi by dt. Ek turn mein kitna hota hai? D phi by dt. To P turn mein sabko aapas mein add kar denge, and this will become NP d phi by dt is the EMF in primary. If there are NS turns in secondary, then at that instant E across secondary is equal to NS into d phi by dt. ये होगा क्योंकि एक टर्न के अक्रॉस d phi by dt है और उसमें हमने ns टर्न्स लगा दी हैं, तो ns by ns into d phi by dt. Then dividing the two, we get ES upon EP is equal to NS upon NP, or E in secondary, EMF across secondary is equal to NS upon NP into E across primary. Secondary mein EMF aur primary ka EMF, they are related by a ratio NS upon NP, and this NS upon NP is known as transformation ratio or transformer ratio. This transformation ratio.
ओके अब ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो डिसाइड करता है क्या डिसाइड करता है ई एस ई अक्रॉस सेकेंडरी इज इट मोर देन ईपी और लेस देन ईपी तो ये डिसाइड करेगा इफ एनएस इज लार्जर देन एनपी देन एनएस अपॉन एनपी विल बी मोर देन वन एंड ई एस विल बी लार्जर सेकेंडरी में आने वाला ईएमएफ दैट इज आउटपुट का ईएमएफ ज्यादा होगा कब ज्यादा होगा जब एनएस बड़ा होगा ये समझ में आया सो इफ एनएस इज हायर देन आउटपुट विल बी हायर देन द इनपुट ईएमएफ और इसका उल्टा कर देते अगर नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स आर लेस देन ईएस विल बी लेस अब इसके बेसिस पर हमने ना ट्रांसफार्मर का नॉमेनक्लेचर कर दिया ट्रांसफार्मर का नॉमेनक्लेचर इस तरह से किया कि अगर एनएस एनपी से बड़ा है ओके टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर आई विल राइट हियर टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर छोटा कौन प्राइमरी यानी इनपुट छोटा है और आउटपुट बड़ा है आउटपुट इज लार्जर देन इनपुट तो अगर हमको छोटे ईएमएफ को बड़े ईएमएफ में कन्वर्ट करना है तो कौन सा ट्रांसफार्मर लगाएंगे यस वी विल गो फॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर इसमें कंस्ट्रक्शन में क्या होगा number of turns in secondary will be more than number of turns in primary dono ka ratio that will always be more than 1 okay second step down when ns is less than np सेकेंडरी की टर्न्स प्राइमरी की टर्न से कम होंगी एनएस अपॉन एनपी इज लेस देन वन ई आउटपुट इन सेकेंडरी इज लेस देन इनपुट तब ये वाला ट्रांसफॉर्मर क्या होगा स्टेप डाउन दोनों के अपने अपने एप्लीकेशंस हैं कहां हम इनको यूज करेंगे देखिए स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर ये हम यूज करते हैं इन ट्रांसमिशन ऑफ पावर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर हम यूज करते हैं इन welding arc welding where high current is required and in electronics hamare computers mobiles ye sab ke liye humko step down lagta hai aur step up hamesha transmission of power aur isko bhi hum use karenge transmission of power mein तो ये हो गए स्टेप अप और स्टेप डाउन
दोनों तरीके समझ में आए। जब हम पावर बाहर भेजते हैं तो हमको वोल्टेज बहुत हाई करनी होती है, सो वी गो फॉर स्टेप अप। और जब हमको बाहर पावर बाहर से आती है हाई वोल्टेज और अपने घर में लाने के लिए हमको उसको लो वोल्टेज करना है, देन वी यूज स्टेप डाउन। क्या बेनिफिट होता है दैट वी विल स्टडी नाउ। अच्छा, ये है ट्रांसफॉर्मेशन। किस चीज का ट्रांसफॉर्मेशन अभी तक हुआ? वोल्टेज का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ईएमएफ का, वोल्टेज का हुआ। करंट का क्या होगा? क्या हम इस तरह से वोल्टेज बढ़ा लेंगे तो हमको एनर्जी ज्यादा मिलेगी? आंसर है नो, एनर्जी ज्यादा नहीं हो सकती, बिकॉज देयर इज ए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो जितनी एनर्जी हम बनाएंगे उससे हमेशा आउटपुट में एनर्जी थोड़ी सी कम ही मिलेगी, ज्यादा तो मिल नहीं सकती। अगर हम ये कहते हैं कि कोई लॉस नहीं भी हो रहा तो भी एनर्जी उतनी ही मिलेगी, तो अगर हम वोल्टेज बढ़ा लेते हैं तो व्हाट इज वोल्ट? वोल्ट इज वर्क डन और एनर्जी ऑन ए चार्ज। तो अगर हम ये ज्यादा कर लेंगे तो एनर्जी का कंजर्वेशन कैसे होगा? तो आंसर है कि जब हम एक एक चार्ज पर ज्यादा एनर्जी देते हैं तो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कम हो जाएंगे। जैसे पहले हम 100 चार्ज भेज रहे थे, हर एक के पास 100 एनर्जी थी, टोटल एनर्जी कितनी हो गई? 10,000। अब हमने हर एक की एनर्जी कर दी 200, तो हम क्या देखते हैं कि उसी रास्ते में 100 चार्ज अब नहीं जा रहे, सिर्फ 50 चार्ज जा रहे। तो हमने एनर्जी ज्यादा की 200, चार्ज ने अपने आप अपनी करंट कम कर ली, कितनी कर दी 50, ताकि एनर्जी कितनी रहे? कंजर्व। इसका यह मतलब है कि जब हम वोल्टेज को इंक्रीज कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली करंट उसकी कम हो जाती है। नंबर ऑफ चार्जेस मींस व्हाट? करंट। ठीक है, तो करंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है देखिए, तो इसे हम नोट करेंगे, करंट ट्रांसफॉर्मेशन। According to principle of conservation of energy, energy क्या होता है? Power into time। ठीक है, transformer में एक तरफ से हम जितनी energy input देते हैं दूसरी तरफ से उतनी energy हमको मिलेगी, अगर एकदम ideal transformer है। Per second energy को क्या बोलते हैं? Power। So power input is equal to power output in ideal transformer। Okay, in ideal transformer power input is equal to power output, और power input क्या होगी? E across primary, current flowing in primary is equal to E across secondary, current flowing in secondary। Therefore ES upon EP, ES upon EP is equal to IP अपॉन आई एस, ऐसा हो गया। बट वी नो दैट ई एस अपॉन ई पी किसके बराबर होता है? एन एस अपॉन एन पी। देयरफॉर आई पी अपॉन आई एस इज इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी, और आई एस इज इक्वल टू IS is equal to IP multiplied by NP upon NS।
अब सेकेंडरी की करंट देखिए, ये उल्टा हो गया, ठीक है। अब अगर ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है तो स्टेप अप में कौन बड़ा होता है? सेकेंडरी। तो ये करंट कैसी हो जाएगी? लेस देन दी आईपी। सो इन स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर करंट विल डिक्रीज। तो हमने जो निकाला, IS इज इक्वल टू IP इनटू NP अपॉन NS, ये हमको क्या देता है? इन स्टेप अप करंट विल डिक्रीज। In step down, current will increase. So, if we want to increase the current, if we want to get a large current, तो हमको क्या कर देना चाहिए? वोल्टेज को कम कर देना चाहिए। और वोल्टेज को कम करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। फिर से, वोल्टेज इनटू करंट इज पावर, पावर इज कंजर्व। तो अगर हमें वोल्टेज हाई चाहिए तो क्या कम हो जाएगा? करंट। और अगर करंट हाई चाहिए तो क्या कम हो जाएगा? वोल्टेज, ठीक है। इस तरह से अगर हमको जैसी रिक्वायरमेंट हो, इफ यू वॉन्ट हाई वोल्टेज देन वी विल इंक्रीज द वोल्टेज बाय यूजिंग स्टेप अप, इफ यू वॉन्ट हाई करेंट देन वी विल यूज स्टेप डाउन, द वोल्टेज विल बिकम डाउन एंड द करेंट विल बिकम हाई। तो वोल्टेज और करेंट दोनों एक दूसरे से उल्टे कैरेक्टरिस्टिक चलते हैं। ओके, सो इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू? राइट। तो ये हमारे इसके डिस्क्रिप्शन हो गए। व्हाट इज कंजर्व? एनर्जी इज कंजर्व और पावर इज कंजर्व। बट प्रैक्टिकली वी सी द पावर इज नॉट कंजर्व, एनर्जी इज नॉट कंजर्व, बिकॉज वेन एवर देयर इज ए फ्लो ऑफ करेंट, वेन एवर देयर इज सम वर्क डन फ्लो, देयर हैज टू बी सर्टेन लॉस ऑफ एनर्जी। तो मोशन में एनर्जी का लॉस होता है, तो करंट फ्लो होती है, चार्जेस फ्लो होते हैं, उसमें भी एनर्जी का लॉस होता है, ट्रांसफॉर्मर में भी एनर्जी का लॉस होता है। सो व्हाट आर द लॉसेस ऑफ एनर्जी इन ट्रांसफॉर्मर? Loss of energy in transformer. Flux losses. Iron losses. Third, copper losses, hysteresis, sound। इतने तरह से एनर्जी लॉस होती है। सबसे पहले फ्लक्स लॉस। फ्लक्स लॉस में क्या होता है? The flux made by primary should be 100% connected with secondary. There may be certain flux which goes out without touching secondary. अगर ऐसा हो गया तो उस flux का हमको कोई result नहीं मिलेगा and that energy is lost. So, ये हो गया flux losses. Flux losses.
by primary is not 100% connected with secondary. Dusra, iron losses. Iron gets heated up. Heated iron lose energy. Heat kyun hoga? Due to eddy current. Theek hai? So there are certain losses in that. Then we have copper losses. कॉपर में कंटिन्यूअसली करंट फ्लो होती है. जितना भी अच्छा कॉपर होगा कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होगा एंड बिकॉज ऑफ दैट रेसिस्टेंस सम हीट इज जनरेटेड आई स्क्वेयर आर. दिस हीट इज ए लॉस. उसके बाद हिस्टेरेसिस हम लोग पढ़ चुके हैं. मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन जो आयरन कोर में होता है उसके कारण हिस्टेरेसिस कर्व बनेगा एंड देयर विल बी सर्टेन लॉस ऑफ एनर्जी. सो ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन देयर इज hysteresis losses. ये hysteresis losses होंगे. उसके बाद sound. ये जो हम saplings लगाते हैं इनमें जब magnetic field बनता है तो magnetic lines एक दूसरे को repel करती. जब वो रिपेल करती हैं और मैग्नेटिक लाइंस मैग्नेटिक स्ट्रिप्स में हैं तो वो स्ट्रिप एक दूसरे को ऐसे रिपेल करेंगी और जब फील्ड जीरो हो जाएगा तो फिर ऐसी आ जाएंगी, फिर रिपेल होंगी, फिर ऐसी आ जाएंगी. सो देयर इज ए मोशन और वो एक दूसरे से टकराते रहती है और टकराने के कारण ये उसमें साउंड पैदा होता है. ये साउंड की आवाज आप लोग रोज सुनते हैं, कभी ट्यूबलाइट में, कभी ट्रांसफार्मर के पास, कभी पंखे में एक गूं आवाज होती है गूंजने की. वो आवाज होती है ये ट्रांसफार्मर की नॉइज. और ये कहां से आ रही है? स्टेपल्स में से, जो उसके अंदर लोहे की पट्टियों के स्टेपल बना के हमने रिपीट किए. अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, वो एकदम टाइट नहीं है, तो वो ऐसे ऐसे होते रहते. क्यों? मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन, तो आपस में टकराते रहते और टकराने से जो साउंड निकलेगा दैट साउंड इज द लॉस इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. ठीक है? सो दैट इज स्टेपल्स वाइब्रेट स्ट्राइक एंड लूज एनर्जी. ये है इसके एनर्जी के लॉसेस. ठीक है? सो दिस इज ऑल द डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर. लेकिन ये अभी ट्रांसफॉर्मर की स्टडी का आधा पार्ट है. मेन जो हमको चीज स्टडी करनी है वो ये है कि हम ट्रांसफॉर्मर बनाते ही क्यों है? व्हाई डू वी नीड ट्रांसफॉर्मर? और अगर हम इसमें ट्रांसफॉर्मर की जो एप्लीकेशन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी टू वेरी फार ऑफ डिस्टेंसेस. तो ट्रांसफॉर्मर से एनर्जी फार ऑफ डिस्टेंसेस तक कैसे जाती है दैट वी हैव टू स्टडी. ओके? तो उसके लिए हमें स्टडी करना पड़ेगा पहले कि एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है और दूसरा उसके कुछ हम न्यूमेरिकल बनाएंगे कि हम किस तरह से स्टडी करेंगे.